नमस्कार, मेरा नाम सपना दिनोदिया है और मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रूबी लेजर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि लेजर स्टिमुलेटेड एमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि रूबी लेजर की बनावट क्या होती है और इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। रूबी लेजर में रूबी क्रिस्टल की 4 सेंटीमीटर लंबी और 0.5 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार छड़ होती है। रूबी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये एक क्रिस्टल होता है जिसमें एल्यूमिनियम के परमाणु क्रोमियम आयन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। क्रोमियम आयन के परमाणु यहाँ पर अशुद्धि के रूप में होते हैं जिनकी मात्रा 0.05% होती है और यही आयन लेजर की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं आयनों के कारण जो रूबी क्रिस्टल है वो गुलाबी रंग का होता है। रूबी क्रिस्टल की बेलनाकार छड़ के दोनों तरफ चांदी की पॉलिश की जाती है। छड़ के एक सिरे पर चांदी की पॉलिश पूरी तरीके से की जाती है, 100% की जाती है, जिस कारण एक सिरा इसका पूर्ण परावर्तक की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरे सिरे पर आंशिक रूप से चांदी की पॉलिश की जाती है जिस कारण इसका दूसरा सिरा आंशिक परावर्तन दर्पण की तरह व्यवहार करता है। रूबी लेजर की छड़ के चारों तरफ जीनोन गैस क्षण प्रतिदीप्ति विसर्जन नलिका लपेटी जाती है जिसका कार्य समय समय पर क्षणदीप्ति उत्पन्न करना होता है और इस विसर्जन नलिका को हम एक पावर सप्लाई से जोड़ते हैं। रूबी लेजर की प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। रूबी क्रिस्टल में जो क्रोमियम के आयन होते हैं उनमें तीन प्रकार के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। एक उनमें मूल ऊर्जा स्तर E1 होता है, दूसरा मेटास्टेबल स्टेट्स E2 पाई जाती हैं और तीसरा उसमें एक्साइटेड स्टेट्स E3 होती हैं। जो उसमें उत्तेजित ऊर्जा स्तर E3 होते हैं वो दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त होते हैं जिनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है। जब रूबी क्रिस्टल में जीनोन गैस क्षण प्रतिदीप्ति विसर्जन नलिका के द्वारा क्षणदीप्ति उत्पन्न की जाती है तो पंपिंग की प्रोसेस के द्वारा जो क्रोमियम आयन के परमाणु होते हैं वो हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर फर्स्ट में पहुंच जाते हैं और नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर वे ऊर्जा स्तर उत्तेजित ऊर्जा स्तर E3 सेकेंड में पहुंच जाते हैं। चूंकि इन उत्तेजित ऊर्जा स्तर का लाइफ टाइम बहुत कम 10^-9 सेकेंड के आसपास होता है जिसके कारण ये उन ऊर्जा स्तरों में बहुत कम समय तक रहते हैं और उसके पश्चात वे क्रिस्टल जालक से टकरों के द्वारा बिना कोई रेडिएशन उत्पन्न किए मेटास्टेबल स्टेट्स में आ जाते हैं। चूंकि मेटास्टेबल स्टेट्स का लाइफ टाइम अधिक होता है इस कारण इन स्टेट में जो एक्साइटेड परमाणु होते हैं वो अधिक समय तक रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर बहुत से परमाणु एकत्रित हो जाते हैं तथा पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन वह स्थिति होती है जिसमें हायर स्टेट में परमाणुओं की संख्या एक्साइटेड परमाणुओं की संख्या लोअर स्टेट से कम होती है। अब इस स्थिति में स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा अगर कोई फोटोन इनके नजदीक आता है तो मेटास्टेबल स्टेट्स में जितने भी एक्साइटेड एटम होते हैं वो जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो इन सब एक्साइटेड एटम्स को अपने ही जैसा फोटोन उत्तेजित करने के लिए प्रेरित करते हैं और हम इस प्रकार देखते हैं कि हमें बहुत सारे कला संबद्ध फोटोन मिल जाते हैं। ये कला संबद्ध फोटोन रूबी क्रिस्टल में छड़ के दोनों तरफ मल्टीपल रूप से बार बार परावर्तित होते हैं और जिस कारण ये अपने मार्ग में आए हुए अन्य मेटास्टेबल स्टेट्स में उत्तेजित परमाणुओं को अपने ही जैसा फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं जिस कारण हमें बहुत सारे कला संबंध फोटोन्स मिलते जाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार होती है जिसके कारण जो हमें प्रवर्तित प्रकाश पुंज प्राप्त होता है जो कि हम रूबी क्रिस्टल की छड़ के आंशिक परावर्तन दर्पण के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में जो लेजर पुंज प्राप्त होता है वह प्रवर्तित होता है और उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 694.3 नैनोमीटर होती है। इस तरीके से हमने अपने इस लेक्चर में देखा कि रूबी लेजर की बनावट क्या होती है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। थैंक यू।